हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ऑलमोस्ट आज है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर थर्ड, जहाँ पर हम एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे आपके पास ऑलमोस्ट पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे आपके पास नेगेटिव चार्ज आता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, क्या अब हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर अब आपके पास उसको हटा दिया गया है, क्या सारा हमारे पास हुआ है, हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे अब आपके पास। फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आपके पास इलेक्ट्रो रिएक्शंस की, और फिर वहाँ से आकर के आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? ओके। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शायद आपको याद हो वहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था कि जो SHE होता है उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट। और जो हमने पढ़ा हुआ था कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो वो क्या था आपके पास, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड था। डैट मीन्स या तो आप इसको यूज़ कर लो SHE को, ये क्या है प्राइमरी यस रेफरेंस इलेक्ट्रोड और वो क्या था सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इसका पोटेंशियल जीरो होता है और उसका पोटेंशियल लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स रहता है, और कितना रहता है 0.279 वोल्ट। तो ये हमने लास्ट क्लास से पढ़ा हुआ था, आज हम उसका यूज करने वाले हैं। तो आपने यदि पुराना वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो ऑलमोस्ट सीधा सा वही फंडा आपके पास कि जो भी आपके पास इस लेक्चर के नोट्स होंगे सारे डिस्क्रिप्शन में आपके पास PDF फॉर्म में अवेलेबल होंगे। यदि आपको इस पूरे लेक्चर के कंप्यूटराइज नोट्स चाहिए सारे नोट्स, तो वो आपके पास ऑलमोस्ट RC क्लासेज एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके जो नोट्स होंगे हमारे पास, जो लेक्चर नोट्स होंगे, सेम इसका स्क्रीनशॉट ही रहता है हमारे पास, जिसमें आपके पास एक PDF फ्रेम करी आती है, उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके डाले गए। तो जब आपके पास ये लेक्चर पूरा फिनिश हो जाए तो आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख सकते हो, उनके आंसर्स भी दिए गए हैं, तो आप उसको मैचअप कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ था आपके पास कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में होता क्या है। सीधा सा लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन होता है, कि दैट मीन्स आपका जो एक इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपके पास, लॉस कर रहा है, और दूसरा वाला इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। करने को मतलब सिंपल सी कंडीशन आपके पास कि यहाँ पर यदि हम दो सेटअप बना दें, तो दो सेटअप में आपके पास यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो ये मेटल हो गया आपके पास M, और यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन हो गया सीधा सा लॉजिक है वो उसी का सॉल्यूशन है, मतलब हम कह दें आपके पास कि MSO4। अब यहाँ पर आपके पास N प्लस है, यदि सपोज करो SO4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 2+ हो जाएगा, यदि आपके पास MCl होता तो यहाँ पर क्या हो जाता प्लस हो जाता। क्लियर? तो हमने लेट कर लिया आपके पास कि यहाँ पर आपके पास उसी मेटल के आयंस का सॉल्यूशन है, मतलब Mn+। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अब क्या क्या होगा हमारे पास कि हम तीन कंडीशंस पढ़ रहे हैं आपके पास, तीन फेवरेबल कंडीशंस। पहली कंडीशन हमारे पास फर्स्ट, कि जब आपका Mn+ जो है वो जाकर के आपका क्या कर रहा है, हिट कर रहा है किस पे, हिट्स इलेक्ट्रोड, और इस केस में क्या हो रहा है, नो चेंज अगर्स, कि यहाँ पर आपके पास कोई भी चेंज नहीं हुआ। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि जो भी सॉल्यूशन है, ध्यान समझिएगा, उसी मेटल का सॉल्यूशन है। कहने का मतलब यदि यहाँ पर जिंक है तो ये ZnSO4, यहाँ पर कॉपर है तो CuSO4, Fe है तो FeSO4। तो अब Fe है, यहाँ पर ये मेटल हो गया, उसी का Fe2+ आयन है, Zn है, Zn2+ उसी का आयन है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है? तो क्या हो रहा है कि जो ये आयन्स में सॉल्यूशन में जो आयन्स हैं आपके पास उसी मेटल के, वो जाकर के इलेक्ट्रोड में हिट हो रहे हैं और कोई भी चेंज हमारे पास नहीं हो रहा है। और जब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब आपके पास नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हमारे पास नहीं हो रहा है। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं आपके पास कि वहाँ पर आपका कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा, कि डैट मीन्स यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता तो बता देते क्या है, लूज कर रहा होता तो बता देते क्या है, लूज कर रहा होता तो बता देते नेगेटिवली चार्ज है। पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ हमने आपके पास, फर्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल से पढ़ाया था आपके पास कि कैसे गैल्वेनिक सेल में आपका एनोड पे नेगेटिव आता है, कैथोड पे पॉजिटिव आता है, और यदि आपके पास गेन कर रहा है तो सीधा सा लॉजिक है हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो क्या कंडीशन होगी कि हमने हिट कराया, कोई भी कंडीशन नहीं जनरेट हुई, तो मतलब आपका नो चार्ज। दूसरा ये हुआ कि जो एम है Mn+ enters into या Mn+ gains electron
एंड हिट्स टू इलेक्ट्रोड। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि Mn प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन करने के बाद किस पे चला गया आपके पास, ऑब्वियस सी बात है जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल में। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। क्लियर, और चार्ज कैसा हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है कि मतलब हमारे पास ये जो जितने भी सॉल्यूशंस में आपके कैटायंस होंगे वो सारे के सारे जा करके इसमें स्टिक कर गए, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये आपके पास उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब ये जा करके उस पर स्टिक कर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड है इसके आउटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो एम है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूजेज इलेक्ट्रॉन, एंड एम एन प्लस इंटर्स इंटू सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जैसे हमने आपके पास उस वाले केस में पढ़ा हुआ था फर्स्ट लेक्चर में कि जब आपके पास जो इलेक्ट्रोड है वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो जब लॉस करेगा तो यहाँ से एम एन प्लस आएगा आपका सॉल्यूशन में, और यहाँ पर आपके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते चले जाएंगे, मतलब यदि आपके पास एम एन प्लस आया तो यहाँ से एन इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो डैट इज द रीजन कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और जो चार्ज है आपके पास इलेक्ट्रोड पे वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जो एम एन प्लस है वो आपके सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जितने एम एन प्लस आएंगे उतने एन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जनरेट होते चले जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रोड पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे तो इसलिए चार्ज ओवरऑल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। आप ध्यान समझिएगा, यही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हो रहे हैं वही तो दूसरे इलेक्ट्रोड में आपके ट्रांसफर होंगे, वही तो वो गेन करेगा, दैट मीन्स आपके पास जो दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारे पास, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा इसको कुछ ऐसा हमारे पास, क्लियर, यहाँ से तो अब ये आपके पास एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एन इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर क्या हो गया, एन इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जो सॉल्यूशन में एम एन टू प्लस था वो जाकर के आपका इस पर क्या हो जाएगा, स्टिक करता जाएगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, स्टिक करता जाएगा, तो जब स्टिक करता जाएगा तो यहाँ से बाहर आपके पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास, तो इसलिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज। हमेशा हमने पढ़ा हुआ है सेकेंड लेक्चर में कि जितना लॉस होता है उतना ही आपके पास गेन होता है, ये हमारे पास फैक्ट कंडीशन है। अब यदि हमारे पास कोई बोल देता है कि डैट मीन्स आप ये फाइंड आउट करो कि इनकी रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, तो सीधा सा लॉजिक है, यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो लॉस करने का मतलब फैक्ट है हमारे पास कि एम है, इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिए तो कन्वर्ट किस में हो गया, एम एन प्लस में, और एन इलेक्ट्रॉन जो उसने लॉस किए थे। यदि कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एम एन प्लस ही तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आप देखो ना एम एन प्लस ही तो इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन, तो खुद को किस में कन्वर्ट कर ले रहा है, एम में। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है हमारे पास, बात ध्यान समझिएगा हमारे पास, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से जो पोटेंशियल आना चाहिए क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपके पास, गेन कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को हटा करके हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम आपके पास इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, आने वाले लेक्चर में अभी आपके पास इसका आंसर मिलने वाला है कि क्यों ऐसा हमारे पास होता है। क्लियर है, तो इतना हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर हमको ये पढ़ा हमने कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी आता है, नेगेटिव चार्ज भी आता है, हो सकता है कोई चार्ज ना भी है, ये डिपेंड करता है आपके पास कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपका कैसा हुआ है। क्लियर है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर बहुत यूज आएगा आपके पास, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है, तो इसमें थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिख लेते हैं हमारे पास, लैंग्वेज बड़ी सिंपल सी है, क्या, इट इज नॉट पॉसिबल
टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोड इफ द गिवेन इलेक्ट्रोड इज कपल्ड इफ द गिवेन इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विथ अनदर इलेक्ट्रोड हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द पोटेंशियल ऑब्टेन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इफ द गिवन इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विथ अनदर इलेक्ट्रोड हैविंग अ जीरो पोटेंशियल. क्लियर? बहुत ध्यान से समझिएगा जरा वहां पास क्या लिखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ इट इज पॉसिबल या नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इफ द गिवन इलेक्ट्रोड इज नॉट कपल्ड विथ अनदर इलेक्ट्रोड हैविंग अ पोटेंशियल जीरो वोल्ट हैविंग अ पोटेंशियल जीरो वोल्ट. तो अब इसमें कॉन्सेप्ट हमारे पास बड़ा सिंपल सा है. ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड हो गया एक कैथोड हो गया. क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वर्क डन भी होगा, तो हम निकाल सकते हैं आपके पास कि पोटेंशियल क्या होगा. क्लियर? बट प्रॉब्लम ये होगी हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, तो उसका भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है इसका भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो हम पर्टिकुलर नहीं बता पाएंगे हमारे पास कि पोटेंशियल क्या हो रहा है. लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? कहने का मतलब कि यदि किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको निकालना है तो अकेले तो कभी किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकल नहीं सकता. क्यों नहीं निकल सकता? क्या रीज़न है इसका हमारे पास? इसका रीज़न ये है क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, फैक्ट हमारे पास. और जो दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं तो एक पॉइंट हो जाता है हमारे पास एनोड, एक पॉइंट हो जाता है हमारे पास कैथोड, उसके बीच का हमने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस, फैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट प्रॉब्लम तो ये जनरेट हो गई हमारे पास कि यदि हमारे पास सपोज करिए दो इलेक्ट्रोड हैं और दूसरे वाले का भी चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कर रहा है, उसका भी पोटेंशियल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसका भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो हमें एग्जैक्टली पोटेंशियल निकालने में डिफ़िकल्टी होगी. हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं? जब एक जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल फिक्स रहे भाई, वो चेंज ना हो, और सिर्फ इसी का चेंज होता रहे, तो जब इसी का चेंज होता रहेगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड लेक्चर में डिटेल में आपको पढ़ाया था हमने ये चीज़. तो अब ऐसा करने के लिए क्या होता है कि या तो आप दूसरा वाला ले लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0.0 वोल्ट है ना. लॉजिक समझ में आ रहा है कि यदि हमारे पास SHE है तो इसका जो पोटेंशियल हो गया वो क्या हो गया 0.0 वोल्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो यदि आपको किसी के साथ कपल कर देते हो तो कपल करने पर क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का चेंज होगा. ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड है इसको फिक्स कर दिया आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका पोटेंशियल कभी भी चेंज हमारे पास नहीं होगा. बात समझ में आ रही है हमारे पास? या फिर आप कोई दूसरा उसमें ऐसा इलेक्ट्रोड ऐड कर दो जिसका पोटेंशियल फिक्स रहे, वो चेंज ना हो. तो ऐसा नहीं कि जीरो ही के साथ अटैच करो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ऐसा ला दो जो आपके पास कुछ ना कुछ हमारे पास पोटेंशियल रखे लेकिन वो पोटेंशियल फिक्स हो, वो पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए. एंड फॉर डैट हमने पढ़ा हुआ था क्या, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल कितना होता है 0.279 वोल्ट. कि डैट मीन्स लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमारे पास ये जो पोटेंशियल होता है ये क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए. और डैट इज़ अ रीज़न कि हमारे पास किसी इलेक्ट्रोड के साथ इसको ऐड कर दिया तो पोटेंशियल आपका चेंज नहीं होने वाला उसका. जब उसका चेंज नहीं होने वाला तो जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी इलेक्ट्रोड का होगा, तो आसानी से निकाल सकते हैं. लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो अब होगा क्या हमारे पास कि इस केस में क्या होता है, आप उस फिगर को ऑब्जर्व करिए, सामने जो आपका फिगर बना हुआ है तो उस फिगर में आप देख पा रहे होंगे बड़ा सिंपल सा लॉजिक कि एक तरफ हमारे पास लगा हुआ है लेफ्ट साइड, ये आपके पास है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. क्लियर है? क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और दूसरी तरफ हमारे पास लगा दिया गया जिंक को. तो अब देखिएगा, अब हुआ इसमें ये कि इस तरफ वाले का पोटेंशियल तो आपके पास क्या हो गया, फिक्स हो गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है 0.0 वोल्ट. जो राइट साइड वाले हैं अब उसका पोटेंशियल हमको निकालना है, तो वो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा करके. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उस केस में नहीं होगा, होगा,
लेकिन फिर भी इसका पोटेंशियल 0.0 वोल्ट ही रहेगा, यही इसकी खास बात है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल इतना ही लॉन्ग टाइम के लिए बना रहेगा। दैट इज द रीजन हमारे पास हम इसको प्रीफर करते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि दोनों यदि पोटेंशियल दोनों का चेंज होता रहेगा तो कभी भी आप किसी पर्टिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे। इसलिए एक फिक्स होना चाहिए, एक चेंज होना चाहिए, तो आप निकाल सकते हो। सो फॉर दैट रीजन हमारे पास इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको ये भी पता होगा कि पोटेंशियल जो इसका हमारे पास आता है वो नियर अबाउट जिंक का 0.76 माइनस का आता है हमारे पास। यदि आप इसकी रिएक्शन देखना चाहो तो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई हुई थी कि आपके पास H2 आपका किस में कन्वर्ट होता है, H+ में, कि मतलब जो गैसियस आयन है वो आपका, यहाँ पर आप हाफ H+ भी लिख सकते हो, क्लियर। तो और फिर उसके बाद हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर आप हाफ H2 यहाँ पर लिख सकते हो, और फिर यहाँ से क्या हो जाता है हमारे पास ZN, ये आपके पास क्या हो गया ZN2+, क्लियर है। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि ओवरऑल वही कंडीशन जनरेट हो जाएगी कि जिंक आपका इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ZN लूज कर रहा ना आपके पास, हाँ ठीक है, तो ZN से ZN, तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई। तो अब इसका पोटेंशियल तो भाई फिक्स कर दिया गया कि भाई 0.0 वोल्ट हो जाएगा। अब चेंज होगा सिर्फ इसी का, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट डिफाइंड आउट कर लिया गया कि भाई कितना हो जाएगा, तो माइनस का 0.76 वोल्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट ये समझ में आना चाहिए कि सिंगल इलेक्ट्रोड कभी भी अपना खुद के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन थोड़ा ना कर लेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, और यदि कर भी लेगा हमारे पास तो पोटेंशियल तो चाहिए होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होगा जब दो पॉइंट्स हो और खुद के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस अगेन कर लिया हमारे पास, तो पॉइंट्स कहाँ जनरेट हुए वहाँ पर। तो दैट इज़ द रीजन कि उसको दो पॉइंट चाहिए होते हैं। जब तक दो पॉइंट नहीं होंगे तब तक आप कभी भी उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सेल का निकाल नहीं सकते। और फॉर दैट रीजन हमारे पास एक फिक्स होना चाहिए या एक की वैल्यू परमानेंटली कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। दो इलेक्ट्रोड्स आपके यूज किए जाते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वही लिखा हुआ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इफ़ द गिवन इलेक्ट्रोड इज नॉट कपल्ड विद, कि मतलब यदि आपका जो गिवन इलेक्ट्रोड है यदि वो किसी ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ कपल नहीं है जिसका पोटेंशियल या तो 0 वोल्ट है या हमारे पास यहाँ लिख दो फिक्स्ड पोटेंशियल। ये हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, 0 वोल्ट और फिक्स्ड वोल्टेज। आसन में आ रही है, या तो आपका 0 वोल्ट हो या फिर फिक्स्ड वोल्टेज हो, यदि ऐसे के साथ कपल है तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि नहीं है हमारे पास तो हमको वहाँ से प्रॉब्लम होने वाली है, क्लियर है। बात समझ में आ रही है हमारे पास। अब आ जाते हैं कि ये जो बात आती है हमारे पास क्या कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के मेथड हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लें आपके पास कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये होता है ई। अब ध्यान समझिएगा, ये जो आपके पास है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके पास टेम्परेचर पे, ये डिपेंड करता है आपके पास कंसंट्रेशन पे, और ये डिपेंड करता है प्रेशर पे। अब प्रेशर किसका होगा, फॉर गैसियस प्रोडक्ट, कि गैसियस प्रोडक्ट के केस में आपके पास फॉर गैसियस प्रोडक्ट्स है ना, सो सब्सटेंसेस, तो गैसियस जो सब्सटेंसेस होते हैं उस केस में टर्म ली जाती है प्रेशर। अदरवाइज आपके पास सॉल्यूशन है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर तो आपको पता ही है। तो हमने बताया था कि टेम्परेचर आपका इफेक्ट करता है किसको, जो आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट होता है या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है के, तो ये उसको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके पास ओवरऑल जो रिएक्शन है वो जो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। कंसंट्रेशन भी सेम लॉजिक कि कितना ज़्यादा अमाउंट है कितना कम अमाउंट है, और प्रेशर तो आपका सेम लॉजिक कि प्रेशर आपका एज अ कंसंट्रेशन यूज किया जाता है। जैसे आप पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जब आपने ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो वहाँ पर जब कभी भी आप आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट गैसेज का निकालते थे तो वहाँ पर जो कंसंट्रेशन ली जाती थी वो प्रेशर के टर्म्स में ली जाती थी गैसेज केस में, अदरवाइज सॉल्यूशंस और आयंस के केस में वो आपका मोलैरिटी के टर्म्स में ली जाती थी। तो हुआ क्या हमारे पास, ध्यान समझिएगा, यदि हम जिंक है हमारे पास, अब जिंक में पता चला टेम्परेचर कुछ और कर दिया गया, जिंक इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर कुछ और रख दिया गया, कंसंट्रेशन कुछ और हो गई ZN2+ की, है ना। तो यहाँ पर कुछ भी टेम्परेचर हो गया, कुछ भी कंसंट्रेशन हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल क्या होगा उसका, कुछ भी होगा। बात समझ में आ रही है कि जब आपके पास ये वैल्यू चेंज हो रही है
ये वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका पोटेंशियल भी चेंज होगा, हमारे पास फैक्ट है। तो मतलब आपके पास हुआ क्या शुरुआत में, कि किसी ने कुछ और पोटेंशियल निकाला जिंक का, किसी ने कुछ और निकाला, किसी ने कुछ और निकाला, और सबसे पूछा गया भाई तुमने ये क्यों निकाला, तो उसने बोला कि भाई मैंने इतना टेम्परेचर लिया है, किसी ने बोला कि भाई मैंने इतना कंसंट्रेशन लिया है, सबका सही मान लिया गया भाई। बट बाद में आपके पास आईयूपीएसी ने क्या किया, आईयूपीएसी ने बोला ऐसे ही होता रहेगा तो फिर न्यूमेरिकल कभी सही हो ही नहीं पाएंगे, फिर कोई अपने अकॉर्डिंग सही कर देगा, कोई अपने अकॉर्डिंग सही कर देगा, ऐसे तो लॉटरी लग जाएगी सबकी। तो हुआ क्या हमारे पास, हुआ ये कि फिर आईयूपीएसी ने बोला कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम डिसाइड करेंगे। अब वो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास ऑब्वियस सी बात है एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे आएगी। तो जब उसने एट स्टैंडर्ड कंडीशन बोली तो यहाँ से आपके पास वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या बनी है हमारे पास, वो कुछ ऐसी थी कि आईयूपीएसी ने डिसाइड कर दिया भाई कि आपके पास प्रेशर कितना होगा, 1 atm होगा हमारे पास। फिर उसने ये भी डिसाइड कर दिया कि टेम्परेचर कितना होगा, उसने बोला 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। फिर उसने बोला कंसंट्रेशन 1 mole/L हो जाएगी हमारे पास, क्लियर। तो उसने बोला कि जब इन तीन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो होगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होगा हमारे पास वो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और फिर आईयूपीएसी ने बोला कि उसको आप नोट करोगे किससे, ई नॉट से, कि मतलब जो भी आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको आप रिप्रेजेंट करोगे ई नॉट से, और जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होगा आपके पास किससे, ई से। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर आपके पास जो पोटेंशियल आपके पास किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए बार बार चेंज हो रहा था, अब वो फिक्स कर दिया गया कि भाई इस प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे आपके पास उसकी फिक्स वैल्यू होगी, और ये माइनस का 0 जो आता है ये किसकी वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस का 0.76 volt। ये जो आ रही है हमारे पास ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू। ये आपके पास नीचे वाला क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है। तो डैट इज़ द रीजन हमारे पास कि ये स्टैंडर्ड वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। अब हम आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों आज पढ़ा जाता है, क्यों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं पढ़ा जाता, उसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ। तो उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ध्यान से समझते हैं, इसी में छिपा हुआ है हमारे पास। देखिए ज़रा क्या हुआ उसमें, उसमें हुआ कुछ ऐसा कि अभी अभी हमने आपको बताया, हमने क्या बताया कि जब आपके पास कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड होता है उसका पोटेंशियल आपको निकालना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको ऐड कर दो 0.0 volt वाले इलेक्ट्रोड के साथ, या 0.27 मतलब या तो सैचुरेटेड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ या सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ, दोनों के साथ ऐड करके आप उसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। तो यदि हम हाइड्रोजन की बात करें कि भाई सपोज करिए हमारे पास यहाँ से हमने बोल दिया कि भाई हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड है, क्लियर, ये हो गया मेटल इलेक्ट्रोड। हमने इसको किसके साथ कंबाइन करा दिया, कपल करा दिया हमने आपके पास। और कपल कराने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किधर होता है हमारे पास, लेफ्ट साइड है ना, कपल्ड विथ, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि आपके पास मेटल इलेक्ट्रोड। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्लियर। राइट साइड हमारे पास क्या हो गया भाई, राइट साइड हो गया मेटल इलेक्ट्रोड, और लेफ्ट साइड हमारे पास हो गया क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हुआ क्या उस केस में, हुआ कुछ ऐसा कि इसका पोटेंशियल तो फिक्स कर दिया गया भाई 0.00 volt, इसका पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना था, इसका पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना था भाई, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन तो यही लॉस करेगा ना, क्यों लॉस करेगा हमारे पास, उसके पीछे भी रीजन था। हमने पढ़ा था कि H2 आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, H+ में, तो H2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लॉस करने के बाद उस पर प्लस चार्ज आ रहा है मतलब H+, ये फैक्ट है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, और जब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो उसमें ऐड किया गया वो हमेशा क्या करेगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करेगा तो इसका हमेशा क्या होगा, इसका हमेशा रिडक्शन होगा। आया कुछ समझ में, फील आ रहा है हमारे पास, कुछ गुस्सा दिमाग में क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन करेगा लॉस हमेशा, फैक्ट है। बहुत ध्यान से समझो, फिर से थोड़ा सा पिक्चर में पीछे आओ, हमने बोला कि इसका इलेक्ट्रोड निकालना है तो इसको एक ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ ऐड कराना पड़ेगा जब वो या तो 0 volt का हो या फिर उसका पोटेंशियल हमेशा फिक्स हो,
आपको दो पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, और सैचुरेटेड कैलोमा इलेक्ट्रोड जिसका 0.279 वोल्ट होता है। क्लियर, वो आपका हमेशा फिक्स रहता है, 0 वोल्ट आपका हमेशा फिक्स रहता है। तो या तो इसके साथ ऐड कर दो या तो उसके साथ ऐड कर दो। अब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बात समझ में आ रही है कि मतलब जो गैसियस है गैसियस से आयन में कन्वर्ट होगा, फैक्ट है, लॉजिक समझ में आ रहा है, गैसियस से किस में कन्वर्ट होगा, आयन्स में। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसके साथ वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब गेन करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। इसी वजह से हमारे पास जो वैल्यू आपकी पढ़ी जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा जाता है, कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं पढ़ा जाता। लॉजिक समझ में आ रहा है, वो क्यों नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि वहां पर हमेशा उनको कपल किया गया है किसके साथ, ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और वो क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे। और दैट इज द रीजन हमारे पास यहां से जो टर्म है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हट गई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों हट गई, आपको फिर से समझ में आ गया होगा कि ZN है, यदि कॉपर के साथ कपल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसको बोलते हैं सेल। लेकिन यदि पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकालना है तो उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन ही करना पड़ेगा। ZN और CU सेल में हम नहीं फाइंड आउट कर सकते कि ZN पे इलेक्ट्रोड क्या है और CU पे क्या है, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक्सचेंज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, वो चीज़ आपकी फैक्ट है कि हमने बता दिया कि भाई ये वैल्यू 0.-0.76 होगी, कहाँ से आई, जब इसको कपल किया गया, कपल करने के बाद ही तो वैल्यू आई, वरना वैल्यू थी ही कहाँ। लॉजिक समझ में आ रहा है बस। सो दैट इज़ अ रीजन कि आपके पास यहाँ से टर्म आ गई क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर, बात समझ में आ रही है, यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात आती है कि भाई यदि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो यदि हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है किसी इलेक्ट्रोड का, तो वो माइनस हो जाता है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल के। बात समझ में आ रही है, ये फैक्टर भी आप याद रख लो कि जो उसका हमारे पास ऑक्सीजन पोटेंशियल होगा कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड का, हम उसके ही इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल का क्या कर दे, माइनस कर दे, तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला किसका, पर्टिकुलर सेल का। अब यदि बात हो जाए कि पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना हो, तो पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ये कैसे निकाल सकते हैं हम आपके पास, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका हमारे पास, क्या कि भाई यदि हमारे पास ई सेल निकालना है तो क्या करते हैं आपके पास, हम ई नॉट सेल निकालना है तो क्या करते हैं, ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। क्लियर, बात समझ में आ रही, तो हमने पढ़ा होगा एनोड पे क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन होता है, तो हम लिख सकते हैं कि ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बात समझ में आ रही हमारे पास कि भाई यहाँ पर हो गया हमारे पास ऑक्सीजन पोटेंशियल और यहाँ पर हो गया हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका है हमारे पास, ये है हमारे पास कैथोड का, और ये जो ऑक्सीजन पोटेंशियल है ये किसका हमारे पास, एनोड का। अब क्योंकि हमने पढ़ा आपके पास कि IUPAC ने ऑक्सीजन पोटेंशियल की टर्म्स को ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपके पास हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, तो दैट इज द रीजन कि हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। अभी अभी हम आपको बता के गए कि ऑक्सीजन पोटेंशियल जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का जस्ट माइनस साइन लगा दो तो वैल्यू आ जाती है उसकी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्लियर, तो अब यहाँ से आपके पास ई नॉट सेल क्या आ जाएगा हमारे पास, वो वैल्यू आप पहले लिख दो, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर है, तो ये हमारे पास होता है सेल का पोटेंशियल। आई थिंक ये आपको बोर्ड में आ रहा होगा। क्लियर, ओके, बात समझ में आ रही है हमारे पास। क्लियर है, तो इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया कि यदि हमें पूरे सेल का इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना है तो आसानी से हम इस फॉर्मूले का यूज करके आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। किस फॉर्मूले का, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। याद रखिएगा हमारे पास कि यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ई नॉट, फिर यहाँ पर हो जाता है हमारे पास राइट साइड माइनस ई नॉट लेफ्ट साइड। याद रखिएगा हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट, आप भूल मत जाना, ये सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनिक सेल के लिए है हमारे पास। किसके लिए हमारे पास, गैल्वेनिक सेल के लिए।
है ना। यदि आप बोलो कि हमारे पास यही कंटिन्यूसली रहेगा उसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो दिक्कत हो जाएगी हमारे पास, क्लियर है। तो वहाँ पर चेंज हो जाता है, वो राइट साइड होता है वो लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट साइड हो जाता है। तो इसलिए आपको उस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, गैल्वेनिक सेल के लिए, जहाँ पर आपको जो इन आउट राइट साइड है मतलब आपके पास वो कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है, इन आउट लेफ्ट साइड मतलब वो आपके पास एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो वहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, क्या कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है, लॉस या गेन होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आता है। अब ऑक्सीडेशन आएगा जब आपके पास लॉस हो रहा होगा, और रिडक्शन आएगा जब आपका गेन हो रहा होगा। लेकिन ऑक्सीजन क्यों हटा दिया गया, बताया हमने आपको कॉन्सेप्ट, हमने समझा आपका। फिर हमने आपके पास ये भी पढ़ा कि यदि आपके पास कोई वैल्यू थी इलेक्ट्रोड की, तो किसी भी टेम्परेचर पे प्रेशर कंसंट्रेशन पर कुछ भी आ रही थी, बट IUPAC ने उसको भी फिक्स कर दिया कि भाई स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास लो, ऐसे तो सब कन्फ्यूज होते रहेंगे। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू किस किस टर्म से आती है, टेम्परेचर पे प्रेशर पे, वो भी हमने सारा पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि पूरे सेल का कैसे निकालते हैं, सेल का इलेक्ट्रोड ऐसे तो निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि भाई जितना कैथोड पे जितना एनोड पे। फिर हमने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब माइनस लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये पूरा खत्म हो गया। अब आते हैं हम आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी जनरेट होंगे उसके बाद, और वहाँ से हम एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कब हमारे पास कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है। अभी तक तो 10th में आपको पढ़ाया गया था क्या रिएक्टिविटी सीरीज है ना, 11th में आकर के थोड़ा सा आपने इसको पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, हालांकि हमने इसमें पूरा डिटेल्ड वीडियो एक बना रखा है, तो उसको अभी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट इन डालते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। तो यदि हम इसमें थोड़ा सा बेसिक लिखें हमारे पास, तो जो अब आपके पास इलेक्ट्रोड हैं वो अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो कि भाई इनको अरेंज कर दिया गया है इनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि दैट मीन जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है उसको सबसे पहले रखा जाएगा, फिर जिसका सबसे ज़्यादा है उसको सबसे बाद में रखा जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आप समझिएगा दैट मीन्स यहाँ से यदि हम सिक्वेंस देखें तो ऊपर से हमारे पास नीचे आ रही है, जिसमें आपके पास सबसे कम वाला ऊपर है, और सबसे कम जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास क्या Li प्लस लेस Li, जहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 3.05 वोल्ट, और फिर ऐसे आते 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 लास्ट में जो होता है हमारे पास वो होता है F2/F-, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है कुछ इतनी। समझ रहे हैं कुछ कंडीशन हमारे पास, कंडीशन ये समझ रहे हैं कि हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि Li में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है और इसमें सबसे ज़्यादा होती है। मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है हमारे पास लिथियम, और यदि बोला जाए कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है तो वो हमारे पास हो जाएगा क्या फ्लोरीन। बात समझ आ रही है, और 11th बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जो हमें याद रहेगा हमेशा या याद रहना चाहिए, लो रिड्यूसेस हाई, कि हमेशा हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो रिड्यूस होगा किससे, लो वाले से। लॉजिक समझ में आ रहा है कि लो वाला ही हमेशा हाई वाले को रिड्यूस करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि हाई वाला आपका लो को रिड्यूस कर जाए। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम बात करें अभी हम पढ़ रहे थे, हमने पहले दिन भी पढ़ाया था आपको लेक्चर में, जो पहला लेक्चर था हमने बोला था कि जो आपका Cu2+ है वो Cu में कन्वर्ट होता है और यहाँ से कुछ ऐसी वैल्यू होती है, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई E0 जो है वो Zn से Zn2+ में कन्वर्ट होता है और वहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यू इतनी आ रही थी। ये दोनों कंडीशन हमने पढ़ी हुई थी, तो हमने पढ़ा हुआ था कि यहाँ पर जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Cu इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब जो जिंक है वो आपके पास ऑक्सीडेशन करेगा और ये आपके पास रिडक्शन करेगा, मतलब ये इसको क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि आप देखो ये माइनस में 0.76 है, प्लस में 0.34 है, तो प्लस में वैल्यू ज़्यादा है। इसका एक और छोटा सा एग्जांपल करें, तो यदि आप सपोज करो जिंक की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, एच के साथ, मतलब या HCl के साथ, तो रिएक्शन हो जाती है भैया हमारे पास Zn Cl2+H2,
लेकिन यदि आप यदि कॉपर की रिएक्शन करा दो HCl के साथ, तो आपसे आंसर बोल दिया जाता है कि भाई नो रिएक्शन, है ना, ऐसे ही तो बोला जाता है आपके पास। तो क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि भाई ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर जाएगा, लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो मेटल जो आपके पास था, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, उसमें भी हाइड्रोजन आ रहा था, लेकिन हाइड्रोजन तो मेटल होता नहीं है, फिर क्यों आ रहा था? उस समय क्वेश्चन हुआ था ना आपके माइंड में कि भाई ऐसा क्यों? उस समय भी हमने बताया था कि ऐसा ऐसा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया था कि सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। लेकिन आज आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया हाइड्रोजन इसलिए लिया जाता है क्योंकि 0.00 वोल्ट होता है उसका। बात समझ में आ रही है? और जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाले गए हैं, सारे उसके साथ कपल करके निकाले गए हैं। तो आपके पास कपल करके किसी का कम आ गया उससे पोटेंशियल, और किसी का ज़्यादा आ गया। जिसका कम आ गया उनको ऊपर रख दिया गया, जिसका ज़्यादा आ गया उनको नीचे रख दिया गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग में घुस रहा है कि जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट से कम था, माइनस में था, उनको ऊपर रख दिया गया, और जिनका प्लस में था उनको नीचे रख दिया गया। तो जितने ऊपर वाले हैं आपके पास, सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लो है, किससे? 0.0 वोल्ट, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। इसलिए सारे के सारे डिस्प्लेस कर जाएंगे किसको? हाइड्रोजन को, उसके सॉल्यूशन से। लेकिन उसके नीचे वाले जितने भी हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये आपके पास कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे उसके सॉल्यूशन से। और जब कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कभी भी आपका वो हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। कौन? जो हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रोड्स। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हमेशा इसको रिड्यूस करके आपका प्रोवाइड करा देंगे, क्या? हाइड्रोजन। अब आप देख लो ये ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख रहे हो कि शुरुआत से स्टार्ट हुई है हमारे पास लिथियम से, लिथियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीडियम, फिर आपका बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का आप देख पा रहे होगे, हाइड्रोजन का केस में हमारे पास H-, क्लियर। उसके बाद आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट, ठीक है, तो आगे देखिएगा हमारे पास सीधा सा लॉजिक, बेरियम, फिर एल्यूमिनियम, मैग्नीज, वाटर, फिर जिंक आपके पास, फिर आपके पास है आयरन, कैडमियम, ऐसे करते करते लास्ट में आप देख पा रहे होगे पूरा आपके पास गिवेन है, कहाँ तक? आपका F2 तक। और बीच में आप देख पा रहे होगे कि हमारे पास जो आपका H+ है, H+ वाले केस में, H+ जिसमें H2 में कन्वर्ट हो गया है, तो वो आपके पास देख रहे होगे प्लस माइनस 0.02 वोल्ट, कि भाई उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल हो गया वो 0.02 वोल्ट। तो डैट मीन्स वो एक आपके पास फिक्स लेट कर लिया गया है, उसके ऊपर जो है वो सारे के सारे इसको रिड्यूस कर देंगे, लेकिन उसके नीचे वाले उसको रिड्यूस कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आज समझ में आया हमारे पास कि क्या लॉजिक है हमारे पास। और ये भी समझ में आ गया कि हाइड्रोजन को क्यों रखा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसीलिए रखा गया हमारे पास ताकि हम उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकें। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो या तो शॉर्ट में आप लिख लो SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर आप बोल दो SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों ही केसेज में हमारे पास कंडीशन सेम रहने वाली है। क्लियर है? बात समझ में आ रही? अब इसके कुछ थोड़ा सा हम एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, जहाँ से हमें आपका ये और अच्छे से क्लियर हो जाए कि भैया एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो हमने ये तो पढ़ लिया है आपके पास कि कैथोड माइनस एनोड, ये हम आपके पास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे हम आपके पास। पहली कंडीशन हमारे पास देखिएगा ज़रा, फर्स्ट, तो वो तो हम सारा पढ़ ही चुके हैं, देख लीजिएगा। तो वही हमने पढ़ा आपके पास, क्या? प्रेडिक्शन, प्रिडिक्टिंग द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स बाई मेटल, क्लियर है? तो ये आपको हम बता चुके हैं अभी बता के गए हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, मेटल्स हैविंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस देन 0.00 वोल्ट विल लिबरेट H2 गैस, क्लियर? कि भाई जो हमारे पास 0.00 वोल्ट से पोटेंशियल लेस रख रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस आपके पास लिबरेट करेंगे, लेकिन उससे एबव वाले जो हैं हमारे पास, कहने का जो बिलो आते हैं उससे,
जिनका इलेक्ट्रो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो कभी भी उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारे पास उसका पहला एप्लीकेशन। दूसरा यदि हम आपके पास पढ़ना चाहें, दूसरा काफ़ी अच्छा है हमारे पास, देखिएगा, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन एंड फेसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि भाई जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसकी फेसिबिलिटी क्या होगी। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि यदि हमारे पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस में क्या होना चाहिए हमारे पास, कि जो ई नॉट सेल है हमारे पास वो कैसा होना चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन जीरो। तो यदि ई नॉट सेल आपके पास पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी हमारे पास, स्पॉन्टेनियस, क्लियर, और फेवरेबल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान समझना हमारे पास, कि पहला तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास है कि भाई यदि हम ई नॉट सेल को क्या कर दें, हम नेगेटिव कर दें, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर। तो ये जो कंडीशन है, ये आपके पास कंडीशन है किसकी, फेसिबिलिटी की, कि रिएक्शन यदि फेसिबल है, फेसिबल का मतलब है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब पूरी रिएक्शन का जो ई नॉट सेल है वो क्या हमारे पास पॉजिटिव है। यदि ई नॉट सेल आपका नेगेटिव है तो फिर आपके पास वो रिएक्शन फेसिबल नहीं होगी। हम उसको फेसिबल बना सकते हैं, यहां पर लिख लीजिएगा नोट में, वी कैन कन्वर्ट द रिएक्शन टू स्पॉन्टेनियस बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स देमसेल्व्स। क्लियर है, बात समझ में आ रही, कि डैट मीन्स जो इलेक्ट्रोड यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, अब हम उस वाले इलेक्ट्रोड को इधर उठा के रख दें और इस वाले इलेक्ट्रोड को उधर रख दें, तो जब ऐसा रख देंगे तो जो उसका ई नॉट है वो भी रिवर्स हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, कि डैट मीन्स यदि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और ए इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफर कर रहा है, बात समझ में आ रही। हमने बोला कि जब ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ई नॉट बी माइनस ई नॉट ए। यदि ये वैल्यू हमारे पास सपोज करो नेगेटिव आ गई, तो हम क्या कर दें कि ए को इस तरफ ले जाएं और बी को इस तरफ ले आएं, तो वहां से जो ई नॉट बी की वैल्यू आएगी वो जस्ट माइनस साइन और लग जाएगा, तो मतलब अब वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब रिएक्शन आपकी फेसिबल हो जाएगी। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, याद रखिएगा। तो ये कंडीशन होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, ये होती है आपके पास गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में यदि कोई भी रिएक्शन हमारे पास है फेसिबल, तो उसका ई नॉट सेल कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब कैसा होना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो रिएक्शन फेसिबल होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस होगी, और ये उसी डायरेक्शन में फेवरेबल होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है, फेवरेबल का मतलब प्रोसीड करेगी। और यहाँ पर यदि ई नॉट सेल नेगेटिव हो गया तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंडीशन है, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बासन मतलब सेल्फ अकर नहीं करेगी, उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यदि हम उसके इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन चेंज कर दें आपस में, तो हमारे पास वो रिएक्शन फेसिबल हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फील आ रहा है थोड़ा सा। तो बहुत अच्छा से हम आपके पास ये कॉन्सेप्ट था जिसको हमने बहुत ऑलमोस्ट डीपली पढ़ाने की कोशिश करी हुई है। और एक चीज़ और हमारे पास, ये जो अभी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई थी, याद करने के बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ हमने, बहुत प्यारा सा वीडियो है, क्लास 11th के रेडॉक्स रिएक्शन के लिए था वो, लेकिन आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आई बटन में आपके पास ये ऑलमोस्ट आ जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करें। अब बोलो सर क्या याद करना ज़रूरी है, नहीं याद करो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एग्जाम में तो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देता ही देता है, फैक्ट है, जो भी इलेक्ट्रोड्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाइड्रोजन का याद रखना, ये भी नहीं कि वो भी भूल जाओ, बोलो सर ये क्या होता है, एग्जामिनर से पूछने लगो जो आपके पास हॉल पे हो, क्लियर, कि सर हाइड्रोजन को बता दो, तो वो रॉन्ग है, कुछ तो याद रखो, केवल हाइड्रोजन का याद रखो, क्लियर, कैलोमल इलेक्ट्रोड का भी ना याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है, तो आपके पास वो एग्जाम पेपर में दिया गया होता है क्वेश्चन पेपर में, तो डैट इज अ रीजन उसको याद करने की जरूरत नहीं है,
यदि याद करना चाहते हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट है केमिस्ट्री को और जानने में, तो एक प्रॉपर वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर सकते हैं, नोट्स के साथ जस्ट अटैच होगा, तो आप उसको देख लेना, वहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सब कुछ? कोशिश तो बहुत करी हमने समझाने की, है कि नहीं? तो देखिएगा जरा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास, कैन अ निकल स्पैचुला बी यूज्ड टू स्टीयर अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कि भाई हमारे पास क्या हम निकल स्पैचुला को यूज कर सकते हैं, और उसका इनोड दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर देख लीजिएगा, जो इनोड दिया गया है हमारे पास किसका, निकल का Ni2+/Ni का, वो कितना दिया गया है, माइनस का 0.25 वोल्ट, और जो इनोड हमारे पास दिया गया किसका, Cu2+/Cu का, वो क्या दिया गया है, प्लस का 0.34 वोल्ट। अब देखो कन्फ्यूज हो रहे हो आप, हो गए, सीधी सी बात है, कन्फ्यूज हो गए, बोलोगे दोनों एक तरफ दे दिया, बस यही तो समझना है। आप यदि उस पर ध्यान नहीं दे, ध्यान किस पे देना है हमारे पास, इस पे आपको देखना है कौन सा लो है और कौन सा हाई है। लो वाला हमेशा हाई को रिड्यूस करेगा, मतलब ये वाला जो है ये इसको जाकर के क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर देगा। अब ध्यान से समझना, हमारे पास जो रिड्यूस करता है मतलब वही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, अब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तभी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो यदि ये इसको रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तभी तो इसको रिड्यूस कर रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यदि आपसे बोले कि इससे आप सेल रिएक्शन लिख दो, तो आप साफ साफ सेल रिएक्शन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि Ni इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब Ni आपके पास दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना देगा, Ni2+, दो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किए वो यहाँ ऐड हो गए। कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cu2++2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, Cu, ऐड कर दो इसको, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, Ni+Cu2+, एरो में क्या आ जाएगा हमारे पास, Ni2++Cu। लॉजिक समझ में आ रहा है, जैसे जिंक वाले केस में आपने पढ़ा था कि जिंक में क्या होता, माइनस का 0.76 और इसमें क्या होता, माइनस का 0.25, तो दोनों ही केस में आप देख रहे होगे कि इससे कम है, तो दोनों ही केस में रिएक्शन कुछ ऐसी प्रोसीड आउट होगी कि कॉपर दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा है, आपको याद रखना है कि जो हायर वाला वो हमेशा कैथोड पे और लोअर वाला हमेशा एनोड पे। तो मतलब यदि आपसे कभी बोला जाए कि भाई ई नॉट निकाल दो आप, तो ई नॉट सेल का आप कैसे निकाल सकते हो, कि भाई जो ई नॉट वैल्यू कौन सी है, हायर, और जो ई नॉट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, लोअर। क्योंकि यदि कभी आपने लोअर से हायर ऑलमोस्ट सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो वैल्यू तो भैया माइनस आ जाएगी, और माइनस आ गई तो रिएक्शन तो फीसबल होगी ही नहीं ना, तो ई नॉट सेल तो पॉजिटिव चाहिए ना, और पॉजिटिव तो तभी आएगा ना जब हायर से लोअर सब्ट्रैक्ट कराओगे। कुछ दिमाग में घुस रहा है हमारे, घुस रहा है हमारे भी क्या, आपके दिमाग में कुछ घुस रहा है, कंडीशन समझ में आ रही है कि हायर माइनस लोअर, बहुत अच्छा सा तरीका, कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिखे आंख मूंद के लगा दो, तुरंत क्वेश्चन हो जाने वाला है। खैर तो बात करते हैं कि क्या स्पैचुला मतलब समझते हो, स्पैचुला मतलब एक स्पून टाइप का होता है जो केमिस्ट्री लैब में यूज किया जाता है, लैब में क्या होगा तो देखा ही होगा, अब नहीं किए दर्शन तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब अपने टीचर से बोलिए कि भाई लैब ले जाया करो। तो होता क्या है स्पैचुला में, एक तरफ स्पून टाइप का होता है, एक तरफ थोड़ा सा राउंड राउंड शेप का होता है, दोनों का यूज होता है। तो अब उसी का निकल का स्पैचुला है, क्या उससे हम सॉल्यूशन को स्टीयर कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम तब कर सकते हैं जब आपका ये जो है स्पैचुला ये सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन ना करे, और यदि ये रिएक्शन कर गया उसके साथ तो मतलब ये उसमें पिघल जाएगा, मतलब मेल्ट कर जाएगा, तो कहाँ से सेक कर पाओगे आप उसको, कहाँ से स्टीयर करोगे, स्टीयर का मतलब मूव करना, तो आप मूव ही नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आपका ये उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब इसके आयंस उसके साथ डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं, तो कभी भी आप ये आपका उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, स्टीयर कर सकते हो। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो गई क्या मतलब कि जो है नहीं है उसके आयंस आपके Cu2+ आयंस में जो सॉल्यूशन था उसके साथ कंबाइन हो गए। कहने का मतलब आप समझ लो कि आपका ये जो स्पैचुला है वो निकल का है और सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का है। तो रिएक्शन क्या हो गई हमारे पास कि Ni को जब कॉपर सल्फेट में मिलाया हमने तो रिएक्शन हो गई NiSO4+Cu। मतलब कुछ समझ में आया कि Ni ने इसको डिस्प्लेस कर दिया इसके सॉल्यूशन से, तो Ni तो पूरा का पूरा मेल्ट हो गया ना, जब मेल्ट हो गया तो कहाँ से डिस्प्लेस कर पाओगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब स्पैचुला पूरा का पूरा उसके अंदर डिजॉल्व हो गया तो स्टीयर तो करने का सवाल ही नहीं उठता। क्वेश्चन अच्छा था हमारे पास। खैर ओके नेक्स्ट आते हैं आपके पास सेकेंड क्वेश्चन पे।
सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास स्क्रीन पे आ गया होगा, क्लियर देखिएगा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास आई टू एंड एफ टू आर एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ वन एम ईच ऑफ आई माइनस एंड एफ माइनस, व्हाट रिएक्शन विल टेक प्लेस, कि आई माइनस और एफ माइनस है क्या रिएक्शन होगी यदि हमारे पास उनके पोटेंशियल कुछ ऐसे दिए गए। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन दी गई कुछ ऐसी कि भाई हमारे पास जो आई टू है, मतलब आई टू उसका जो पोटेंशियल दिया गया वो कितना दिया गया 0.54 वोल्ट, और जो एफ टू है उसका दिया गया 2.87 वोल्ट, कुछ ऐसा दिया गया। अब भाई इसमें हमको तो ये भी नहीं दिया गया कि कौन सा माइनस कौन सा प्लस, मतलब कौन किस में जा रहा है कौन किस में नहीं जा रहा है, भाई बताओ दिक्कत कर दी कि नहीं कर दी। लेकिन नहीं, कहाँ कर दी, हम तो बता के गए कि लो वाला हाई को रिड्यूस करेगा, लिख के रख लो लो वाला हाई को रिड्यूस करेगा, मतलब ये आपके पास हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ये, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो फैक्ट है कि आई टू आई माइनस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ऐसा नहीं आई माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो आई टू में कन्वर्ट होगा, बात समझ में आ रही है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर चार्ज कैसा आता है, प्लस का। तो अब यदि आप बोलो कि भाई आई टू कन्वर्ट हो जाएगा आई प्लस में, तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि आयोडीन तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, मतलब या तो आप उसमें आई माइनस फॉर्म होगा ही होगा कैसे भी करके, आई माइनस तभी फॉर्म होगा जब आई माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करे आपके पास, तब जा करके हमारे पास आई फॉर्म होगा। कोई कंडीशन समझ में आ रही है हमारे पास, कुछ समझ में आ रहा है इसमें। हमने बोला कि आई प्लस कभी फॉर्म नहीं होगा, आई प्लस नहीं होगा मतलब आई माइनस होगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस ही कराना है, तो लॉस कराना है तो आई से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा, आई माइनस से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। जब इस पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो एक प्लस चार्ज आएगा, तभी तो इसका माइनस कैंसिल आउट होगा, और क्योंकि आई टू है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा आई टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू आई माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन। ये होगी पहली रिएक्शन, और ये रिएक्शन कौन सी होगी हमारे पास, ये हो गई हमारे पास एनोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है हमारे पास लॉस हो रहा है, बात समझ में आ रही। यदि हम आपसे बोले कि कैथोड पे क्या हो जाएगा, तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, और गेन कौन करेगा इलेक्ट्रॉन का, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, एफ टू, एफ टू कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या कन्वर्ट कर देगा टू एफ माइनस। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, एफ टू प्लस टू आई माइनस, एरो में क्या आ जाएगा आई टू प्लस 2F माइनस। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो यदि तो आप बता दो, बोलो सर ये चीज़ समझ में नहीं आई हमको, आप बता दो लॉजिक समझ में आ रहा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ तो समझ में आ गई, लो हाई को रिड्यूस करेगा, फैक्ट है, लिख के रख लो, समझ में आ गया इतना। अब जब लो हाई को रिड्यूस करेगा तो फैक्ट है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तभी तो आपके पास ऑक्सीडेशन होगा इसका, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आप आई टू से इलेक्ट्रॉन लॉस करा दोगे तो आई प्लस फॉर्म हो जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है हैलोजन्स आपके पास क्या होते हैं, मोस्टली नेगेटिवली चार्ज, तो डैट इज़ अ रीजन कि आई टू आई प्लस में नहीं कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन तो लॉस होगा लेकिन आई माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जब आपके पास उस पर ऑलरेडी माइनस चार्ज है और उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा आई टू में, दो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अलग से आ गए। अब जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो दूसरा गेन करेगा, हमने पढ़ा भी हुआ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब इसका क्या हुआ रिडक्शन, और रिडक्शन कब होगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की और इसकी टेंडेंसी लूज करने की। आप वैसे भी समझ लो कि लो है ये हाई है, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो ये रिएक्शन हो गई। डिफिकल्ट था नहीं, लेकिन कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ, ट्रिकी क्वेश्चन था, लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, तो इसलिए वर्कआउट करना है आपके पास इनमें, वरना दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस केस में देखिएगा जरा, हमारे पास लेड के बारे में बात करी गई है, तो लिखा हुआ हमारे पास राइट द हाफ सेल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जो सेल लिखा हुआ हमारे पास वो लिखा हुआ है Zn2+ Pb2+ और Pb। कंसंट्रेशन क्या दी गई है हमारे पास 1:1 दी गई है। अब बोला गया कि इसका EMF आप कैलकुलेट करिए, और जो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं हमारे पास किसके Pb2+ और Pb के, और Zn2+ और Zn के, वो दिए गए हमारे पास माइनस का 1.26 और उसके बाद माइनस का 0.763। तो आप देख लो जरा हमारे पास कंडीशन क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक कि भाई जो हमारे पास इनोड लिखा हुआ है क्या Pb2+ लेस Pb का, वो दिया गया माइनस का 0.126, और जो इनोड दिया गया हमारे पास किसका
जेड एन टू प्लस स्लैश जेड एन का, या जेड एन दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ये दिया गया माइनस का 0.763 वोल्ट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो प्रॉब्लम हमारे पास। अब इसमें ये बोल रहा है हमारे पास कि इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी, पहली चीज़ तो ये, और दूसरा इसका ईएमएफ क्या होगा, दोनों चीज़ें निकालेंगे हम। अभी तो हमको ये पता चल जाए कि कौन एनोड पे है कौन कैथोड पे, तुरंत हम कैथोड माइनस एनोड कर देंगे, बात खत्म, सेवा समाप्त। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो अब ध्यान समझना जरा, होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि आप देखो जरा वैल्यू कम कौन सी है, कम ये है और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। जो वैल्यू देखो ना माइनस में लिखा हुआ है भैया, तो माइनस में जो वैल्यू ज़्यादा होती है वही तो कम होती है, माइनस में जो वैल्यू कम होती है वही तो ज़्यादा होती है, तो डैट इज अरियन की ये वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस में कम है ज़्यादा है, तो डैट इज अरियन की लेस है, लेस है तो मतलब हाई को रिड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस ही करेगा। तो जेड एन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अभी लॉस कर रहा है तो मतलब ये आपके पास किस पे हो गया, एनोड पे हो गया है ना, फिर आपके पास दूसरा वाला ऑटोमेटिकली किस पे हो जाएगा, कैथोड पे, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो पी बी टू प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास, पी बी में, ये होगी सेकेंड इक्वेशन, ऐड कर दिया हमने, तो जेड एन प्लस पी बी टू प्लस, यहाँ पर क्या हो गया, जेड एन टू प्लस प्लस पी बी, ये हो गई हमारे पास रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम, यदि बोल दिया जाए कि भाई हमारे पास ई नॉट सेल निकालना है तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि कैथोड में कितना आ रहा है, सॉरी कैथोड, हाँ ठीक है, 126 माइनस, अब यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है 0.763, तो अब ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 0.126 प्लस का 0.763, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करा दो है ना, सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो आपके पास देखो 13 में 6 या कितना बचा 7, फिर यहाँ 523 और फिर वहाँ पर क्या बचा आपके पास 716, मतलब आपके पास प्लस की वैल्यू आ गई इतनी, इतने वोल्ट, तो मतलब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी, फेसबल होगी, तो अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास, बात समझ में आ रही, हर जगह की कॉन्सेप्ट लगना, लो हाई को रिड्यूस करेगा फैक्ट है, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके पास किसमें, पीडीएफ फॉर्म में, नोट्स के साथ, नोट्स जो आप देखोगे ना कि इस बोर्ड वाले नोट्स, लेक्चर वाले नोट्स, उसके सबसे लास्ट में, पीडीएफ के सबसे लास्ट में एक पेज होगा, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो उनको आपको अटेम्प्ट करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, हालांकि इतना भी तगड़ा नहीं है खैर, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, देखिएगा जरा हमारे पास क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे आ गया होगा हमारे पास, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपल सा लॉजिक है इसमें, इन अ सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज द स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब कि कौन सा आपके पास स्टैंडर्ड स्टेट पर है, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है द हाफ सेल रिएक्शंस विथ अप्रोप्रिएट रिडक्शन पोटेंशियल्स आर, कि मतलब जो हाफ सेल रिएक्शंस है वो आपके पास लिखी हुई है, जैसे पी बी टू प्लस से दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और पोटेंशियल क्या है, माइनस का 1.13 वोल्ट, और जो सिल्वर है वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो अब उसका ही पोटेंशियल हमारे पास कितना लिखा हुआ है, सेम। तो अब बोला गया है कि पहले तो सेल रिएक्शंस लिखो, और सेल रिएक्शंस लिखने के बाद उसके बाद आपका प्रोसीड कराओ उसको, तो देख लो जरा भैया रिएक्शन देख लो उसकी, तो पी बी टू प्लस क्या कर रहा है, अभी दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और फॉर्म क्या कर रहा है, पी बी, और इसका जो ई नॉट दिया गया है हमारे पास पी बी टू प्लस स्लैश पी बी का, वो दिया गया है माइनस का 0.13 वोल्ट, भाई वहाँ पर 126 था, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए जी प्लस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए जी में, यहाँ पर जो आपके पास ई नॉट दिया गया है किसका, ए जी प्लस स्लैश ए जी का, वो दिया गया है प्लस का 0.80 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आप देख लो सीधा सा लॉजिक बोला गया सेल रिएक्शन, अब ये भी करके गए थे सेल रिएक्शन, हम इसमें इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि ये कन्फ्यूज कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने दिया है आपके पास, ये कन्फ्यूज ये कर रहा है कि दोनों प्लस प्लस एक तरफ लिया इधर ले गए, तो अब हमको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी कैसे भी दिया गया सब छोड़ो, सब छोड़ छाड़ के अनारकली डिस्को चली, इन द सेंस बात समझ में आ रही, मजाक नहीं, यहाँ पर क्या आपके पास कि लो वाला किसको रिड्यूस करेगा, हाई वाले को, ये फैक्ट है, लिख के रख लो बिल्कुल कॉपी पे, जब ये हाई वाले को रिड्यूस करेगा तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पी बी कन्वर्ट होगा पी बी टू प्लस में, मतलब ध्यान समझिएगा पी बी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पी बी टू प्लस में प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और ये हमेशा गेन करेगा, तो गेन करेगा तो गेन कौन करेगा आपके पास, ए जी प्लस ना गेन करेगा,
है ना, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये 2Ag प्लस हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag में। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, यहाँ भी कन्फ्यूज कर रहा है, यहाँ भी कन्फ्यूज कर रहा है। कन्फ्यूज ये कर रहा है कि आपके पास ये वैल्यू माइनस में है, ये प्लस में है, तो ऑब्वियसली बात है ये लेस है, ये ज़्यादा है, तो लो वाला हाई वाले को रिड्यूस करेगा, बिल्कुल फैक्ट। और जब लो वाला हाई वाले को रिड्यूस करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करेगा, वही तो पढ़ के चले आ रहे हैं अभी। जब लॉस करेगा तो Pb से कन्वर्ट होगा Pb2 प्लस में, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो अब सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कितने गेन करेगा, दो गेन करेगा, दो गेन करने के लिए दो सिल्वर होने चाहिए, ये कंडीशन हमारे पास। याद रखिएगा, इसका जो पोटेंशियल दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 0.80 वोल्ट। लेकिन अब आप देख रहे हो कि पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा? नेवर। बात सुन में आ रही है? नेवर हमारे पास कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, भले आप 3 का मल्टीप्लाई कराओ, 4 का कराओ इलेक्ट्रॉन बैलेंस कराने के लिए, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, याद रखना हमारे पास। तो अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई? ये आ गई Pb प्लस 2Ag प्लस इन द एरो Pb2 प्लस प्लस 2Ag, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। पहला सॉल्व हो गया। दूसरा, अब ये बोला जाए ये किस पे है, तो ये एनोड पे है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और ये किस पे हमारे पास, कैथोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आप देख लो जरा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, तो कैथोड पे है सिल्वर माइनस, तो क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 0.93 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम? हमें तो लगता है कोई प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो इसके पूरे लेक्चर के नोट्स आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे ऑलमोस्ट 8 या 10, आप उसको प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करिए। और उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसका रिस्पांस ज़रूर देंगे आपको ऑलमोस्ट। अब आपके पास नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, और हाँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का था, यदि आपका याद करने का मन हो। बात समझ में आ रही है? अगला वीडियो बहुत अच्छा सा आपके पास नर्स्ट इक्वेशन पे, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि यदि सपोज करो टेम्परेचर की वैल्यू चेंज कर दी जाए या कंसंट्रेशन चेंज कर दी जाए तो पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, तो वहाँ पर आएगा अब आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑप्शन। अभी तक हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑप्शन, तो आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाने की कोशिश करी है, आया होगा समझ में यदि आपने अच्छे से चीज़ों को फॉलो किया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर देखा हुआ है तो। सो आई होप यू गॉट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक इन अ प्रॉपर मैनर, अच्छे समझ में आया होगा, रिवाइज करिएगा, पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके, सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।